दोस्तों मैच होता हुआ गाजीपुर वर्सेस लखापी, दोनों टीमें बेहतरीन टीम है। थर्ड राउंड का मुकाबला, फर्स्ट कॉल, पहला मुकाबला का दिल्ली आर्मी कैंप। और जैसा ही टॉस जीता है गाजीपुर ने, एंट्री करा किसी का कोई इंतजार और नहीं चूज किया है कोर्ट, मतलब पहली रेड रहेगी लखावटी की तरफ से। नहीं, 10-2 का मैच होगा भाई, बिल्कुल नहीं कराएंगे 10-2। गेम स्टार्ट, पहला मैच थर्ड राउंड का गेम स्टार्ट हो तो भाई पहली रेड रहेगी लखावटी की तरफ से। बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा, दोनों टीमें बेहतरीन है। एक तरफ गाजीपुर है, नेशनल प्लेयर है उसमें, और एक तरफ लखावटी है जिसमें प्रो कबड्डी प्लेयर है। मतलब गेम बेहतरीन देखने को मिलेगा। ये थर्ड राउंड का मुकाबला, पहली रेड चंद्रेश, बेहतरीन प्लेयर एक नंबर के साथ। मैं आग्रह करूंगा आयोजन समिति से कि हमारे बीच में बड़े प्लेयर है बात की जाए तो, अपने समय के ये बेहतरीन सितारे रहे और एक पॉइंट लगा, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे कबड्डी के भाई, फतेहपुर से बेहतरीन खिलाड़ी है ये भी भाई। और हमारे बीच में गाजीपुर की तरफ से हमारे गुरुजी जो कबड्डी की बारीकियां अभी भी बच्चों को सिखा रहे हैं, अल्लाह गुरुजी वर्सेस हमारे बीच में है, तो मैं आयोजन समिति से आग्रह करूंगा। लक्ष्य का कमाल है ये, बेहतरीन डिफेंस है, कमाल का। माला अर्पण कर स्वागत करें और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। चंद्रेश वर्सेस गुरुजी, बॉबी रहेगा ये मुकाबला। गुरुजी आगे आ जाएं, कौन भेजेगा ये कला उधर, उधर कर ले भैया। पांच का डिफेंस, बेहतरीन डिफेंस, स्कोर 2-0। 10 नंबर के साथ युवा प्लेयर गाजीपुर की तरफ से। सब कुछ झोंक देना चाहेंगे इस मुकाबले में, क्या बात है, बेहतरीन प्रयास किया था लेकिन नहीं। आजाद प्रो कबड्डी स्टार यूपीए द लखावटी खिलाड़ी एक नंबर के साथ। भैया भैया किसी जब भैया पीछे जो है कैमरा ले रहे, फोटो भी खींच रहे यार, गंगोला कबड्डी कुछ यादगार भी रहेंगी। पांच के डिफेंस में लेफ्ट राइडर बेहतरीन खिलाड़ी शबी जी के, क्या बात है, ये है कमाल, स्किल बेहतरीन जबरदस्त। 10 नंबर खिलाड़ी, वही खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी एक बार फिर, स्कोर 3-0। बिल्कुल, बार बार गौरव समझा रहे थे लगेगा लगेगा, लेकिन मना करने के बावजूद भी हाथ लगता हुआ हैंड टैकल, हैंड टच, रनिंग हैंड टच बेहतरीन। चंद्रेश एक बार फिर एक नंबर के साथ, बॉबी टीम को लीड करते हुए गाजीपुर की, सरदार बेहतरीन खिलाड़ी, बहुत अंदर तक वार किया है, क्या मिलेगा पॉइंट, लेकिन नहीं मिलेगा पॉइंट। एक और एम्प्टी रेड लखावटी की तरफ से। फिर 10 नंबर खिलाड़ी, वही खिलाड़ी बार बार, बेहतरीन टच पॉइंट किया था हिमांशु को, क्या इस बार मिलेगा, नहीं मिलेगा। अर्जुन बोनस करना चाहते थे, 10-2 का मुकाबला थर्ड राउंड का, पहला मुकाबला लखावटी वर्सेस गाजीपुर। पांच का डिफेंस, आजाद एक बार फिर एक्शन में, बहुत लंबा वार किया है, एक या दो, दो पॉइंट। कब खुलेगा खाता, खाता खुल चुका है, एक एक स्कोर है जो इस 10 नंबर खिलाड़ी ने निकाला था, बेहतरीन टच पॉइंट था। हिमांशु को छलांग लगाई थी बहुत ऊपर तक, लेकिन प्रयास अच्छा, पॉइंट नहीं मिलेगा, डिफेंस काम करता हुआ।
पहले 5 मिनट के आसपास में ये ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ गाजीपुर पर आजाद एक बार फिर एक्शन में सुपर टैकल ऑन। एक जो रेड थी सेकंड कॉल एमलिया का वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप वो सभी को ध्यान रहेगी। सेकंड कॉल सुपर टैकल होने वाला था वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप ये डैश करना चाहते थे और एक और ऑल आउट पहला ऑल आउट मिलता हुआ करीब 5 मिनट में। वही युवा खिलाड़ी एक बार फिर गाजीपुर की तरफ से 10 नंबर खिलाड़ी क्या एम्प्टी रेड जिस तरह का कॉन्फिडेंस लग रहा है खिलाड़ी का बिल्कुल मिलेगी एम्प्टी। चंद्रे से एक नंबर आर्मी कैंप वर्सेस इमलिया का सेकंड कॉल भैया टाइम नहीं दिया जाएगा किसी भी टीम को जैसे ही सेकंड हाफ क्या बेहतरीन है खत्म होता है कश्मेवादों का दौर है उनके पास आगे लग जाए और बिल्कुल जिस तरह का कॉन्फिडेंस लग रहा है पूरा होते ही टीम एंट्री करेंगे ग्राउंड में कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। 5 नंबर खिलाड़ी गाजीपुर की तरफ से स्टार खिलाड़ी क्या यहां अपना जो स्टार गेम है वो दिखा पाएगा। बिल्कुल वार्निंग मिली है एक या दो बिल्कुल 2 पॉइंट मैंने बोला था स्टार खिलाड़ी है स्टार की तरह परफॉर्मेंस की और बेहतरीन 2 पॉइंट। घूम कर वार किया था बेहतरीन आ जाते एक बार फिर एक्शन में लेकिन यहां पकड़ नहीं मिलेगी बेहतरीन पॉइंट। एक बार फिर वही 10 नंबर ये है आजाद का कमाल लेकिन नहीं मिलेगा बेहतरीन पकड़ का प्रयास था 2 पॉइंट और। अक्सर ऐसे थाई होल्ड देखने को मिलते हैं आजाद के लेकिन यहां खामियाजा भुगतना पड़ा 2 पॉइंट और गाजीपुर को। अब धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ गाजीपुर का चंद्रेश एक बार फिर एक्शन में 7 का डिफेंस फुल स्क्वाड क्या सरदार पाजी का एक बार फिर देखने को मिलेगा वो जो मूव मिलता है थाई होल्ड का ये बेहतरीन प्रयास था मैंने बोला था मूव मिलेगा और बिल्कुल मिला है मूव सुपर टैकल ऑन स्थिति नाजुक बनती हुई बेहतरीन गेम चलता हुआ कठिन मोड़ पर दोनों टीमों के लिए गाजीपुर वापसी करने में माहिर वापसी कर रही है क्या लखावटी बचा पाएगी ये ऑल आउट पहले 5 मिनट में ऑल आउट मिला था गाजीपुर को क्या अगले 5 मिनट में मिलेगा लखावटी को। गौरव एक बार एक्शन में थर्ड एंड फाइनल कॉल इमलिया का वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप थर्ड एंड फाइनल कॉल गौरव एक बार फिर एक्शन में 10 नंबर खिलाड़ी बेहतरीन रेड की थी 2 पॉइंट की मूव बेहतरीन था थाई होल्ड पर गए दोनों पर आजाद लेकिन कामयाब रेडर सुपर टैकल ऑन क्या मिलेगा सुपर टैकल देखने को दोनों टीमें बेहतरीन शांति छाई हुई मुकाबले में किस मोड़ पर जाएगा ये मुकाबला लक्ष्य एक्शन में वॉक लाइन क्रॉस की है जानते हैं डू और डाई आनी है और बिल्कुल डू और डाई आएगी क्या सुपर टैकल मिलेगा या ऑल आउट की तरफ बढ़ेगा लखावटी 5 नंबर खिलाड़ी रिस्क लेना है रेडर को दो पॉइंट मैंने बोला था ऑल आउट की तरफ बढ़ेगा और मैं लेके चलूंगा आपको स्कोर की तरफ। एक बार थर्ड राउंड में सब्स्टिट्यूट किया था पवन को और पवन अंदर आए हैं और स्कोर है 12-8 फेवर इन
लखावटी, 4 पॉइंट की अभी भी लीड है, बोनस देंगे लेकिन बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा, टच पॉइंट लाना होगा। बेहतरीन पकड़ ये मिला है सरदार जी का, बोनस जरूर मिला है और 3 पॉइंट मिले हैं। आर्मी कैंप खत्म, आ जाओ, चलो। अब स्कोर हो गया है 11-13, फेवरेन लखावटी 2 पॉइंट की लीड है गाजीपुर के पास। क्या ये वापसी का बिगुल है ऑल आउट के बाद गाजीपुर का? 10 नंबर खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी है भाई, काम किया है बेहतरीन अभी तक। बॉकलाइन क्रॉस की थोड़ी चहलकदमी, मध्यांतर हो चला है, स्कोर 11-13 फेवरेन लखावटी, 2 पॉइंट की बढ़त है अभी लखावटी के पास। क्या उस बढ़त को ऊपर करार रख पाएंगे या फिर गाजीपुर जिस तरह से वापसी कर रहा है उस तरह से कामयाबी मिलेगी? मध्यांतर के बाद गेम एक बार फिर स्टार्ट, चहलकदमी करता है खिलाड़ी, कॉर्नर पर खेलता है और डिफेंस को मौका देता है कि आप मुझे टच करें और मुझे मौका दें, मैं आपको टच करके पॉइंट लूंगा। आजाद एक बार फिर एक्शन में, 1 नंबर खिलाड़ी, लेफ्ट खिलाड़ी, एक दो या 3, सुपर रेड की है। आजाद जानते थे, उसी के लिए इंतजार कर रहे थे कि डिफेंस गलती करे और उसका खामियाजा भुगतना पड़े। और बिल्कुल खामियाजा भुगता है एक सुपर रेड के साथ। एक समय जो लीड 2 पॉइंट की थी मध्यांतर के बाद, अब लीड 5 पॉइंट की। पांच नंबर खिलाड़ी ने अभी तक 3 रेड की हैं, ये तीसरी रेड, इससे पहले 2 रेड की, 2 में 2-2 पॉइंट। बेहतरीन खिलाड़ी है, स्टार खिलाड़ी गाजीपुर की तरफ से। आजाद एक बार फिर एक्शन में, 4 का डिफेंस। कुछ समय पहले जो गाजीपुर बेहतरीन वापसी कर रहा था, किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि मध्यांतर के बाद एक बार फिर वो दौर आएगा कि 4 खिलाड़ी कोर्ट में हो जाएंगे। अब सरदार बाजी, ये गलतियां हैं, ये प्रो के खिलाड़ी रहे हैं आजाद। थर्ड रेड डू और डाई रेड है, थर्ड एंड फाइनल कॉल किताए थे निकलकर। ये मलिया का वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप, ये दोनों टीमें भैया रिपोर्ट करें इधर आके। 12-17, एक एक, 12-16, 5 मिनट बाकी है फेवर इन। नहीं आपका, अच्छा अच्छा भैया, कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, जैसे ही ये 12-16 फिनिश होगा तुरंत ग्राउंड पे जीएमए टीम यदि नहीं आती है तो अगली टीम को बुला लिया जाएगा और आपकी टीम को बाहर कर दिया जाएगा। 4 का डिफेंस, बेहतरीन डिफेंस है, ग्राउंड पे आ जाएगी गाजीपुर की तरफ से, उसको वॉक ओवर दे दिया जाएगा, दूसरी नहीं आती है तो वो अपने घर बैठे सो जाएंगे। बेहतरीन किक लगाते हैं, जबरदस्त हैं। और इससे अगला मैच है अंबाला ऑर्डिनेंस और जसौर खेड़ी ए, ये भी टीम तैयार है। चंद्रेश एक बार फिर एक्शन में, 1 नंबर खिलाड़ी, 4 का डिफेंस, 2 की चेन लेफ्ट में, 2 की चेन राइट में, क्या होंगे कामयाब रेडिंग में? रेड का जिम्मा संभाला है लखावटी की तरफ से। लंबा प्रयास, डू और डाई का इंतजार और बिल्कुल आई है डू और डाई। कुछ ना कुछ करना होगा, पॉइंट लाना होगा या देकर आना होगा, बिल्कुल
पॉइंट जरूर मिलेगा, किसको मिलेगा ये देखने लायक मुकाबला, गाजीपुर को या लखावटी को। अब बिल्कुल किसके सर पर बनेगा सहरा इस मुकाबले का, कौन मारेगा बाजी। बहुत अंदर तक वार है और अब बिल्कुल डैश कर दिया है, एक को दो में बदलना चाहते थे लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा। इधर भी थर्ड है डू और डाई, इधर भी पांच का डिफेंस, उधर चार का डिफेंस था, इधर पांच का डिफेंस, कौन मारेगा बाजी इस डिफेंस में। पहले गाजीपुर ने उस डिफेंस में बाजी मारी, क्या बेहतरीन पकड़ है, बिल्कुल ऐसा पॉइंट मैं आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल बेहतरीन पकड़। एक बार गेम फिर स्टार्ट, मुकाबला बेहतरीन चलता है, वो गाजीपुर वापसी करता है कभी फिर पछड़ता है और फिर वापसी करता है, यही चलता हुआ। कौन मारेगा इस मुकाबले में बाजी, एक और बगाड़ फिर वापसी करता हुआ गाजीपुर, स्कोर 14-18, बेहतरीन मुकाबला। लास्ट पांच मिनट का समय से चार पॉइंट की लीड फेवरेट लखावटी। पांच का डिफेंस इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है, अगर बात की जाए इस खिलाड़ी की तो अभी तक 25, 26, 27 अपने आप ही आ जाए, बोलने में उतना है। गौरव जब समय काटना होता है और गेम स्लो करना होता है तो अक्सर यही देखा जाता है। चार पॉइंट की लीड जरूर है, लास्ट फोर मिनट, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरदार पाजी को रोक के रखा है। का दिल्ली आर्मी कैंप, दोनों टीमें ग्राउंड के पास आ जाए, अंतिम चार मिनट है, पांच का डिफरेंस, कोई टाइम नहीं दिया जाएगा किसी भी टीम को। ये वही खिलाड़ी है जो डू और डाई में काम तमाम करके गया था लखावटी का, क्या इस बार भी करेगा, बेहतरीन पकड़, जबरदस्त गेम, वापसी करने में माहिर गाजीपुर, क्या फिर वापसी करेगा। गेम स्लो करना है तो बिल्कुल रेड करनी है और वही करते हुए गौरव एमलिया का दिल्ली आर्मी कैंप, तब जब तक बॉबी बाहर रहेंगे गाजीपुर से तब तक यही गेम चलता रहेगा, एक पकड़, ये किधर है भाई टीम, एक आध रेड, रिवाइवल करना होगा, टच पॉइंट लाना होगा, पकड़ करनी होगी बॉबी को अंदर लेकर, टाइम नहीं दिया जाएगा किसी भी टीम को, अंतिम तीन मिनट, एक या दो, बिल्कुल बॉबी अंदर आए हैं, अरे डू और डाई 16-19 फेवर इन लखावटी, तीन पॉइंट की अभी भी लीड है और डू और डाई है। किस किसर बनेगा इस रेड पर सहरा, डू और डाई ये है, जब जरूरत होती है तब सुपर रेड लगाते हैं आजाद, ये बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है, जब जब दो पॉइंट की लीड होती है लखावटी की, जब जरूरत होती है तभी सुपर रेड की है। अंतिम दो मिनट, गाजीपुर इस मौके को मिस करता है बार बार, इस मैच में दो मिनट शेष है, मुकाबला बेहतरीन रहा, कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा, ये इसको विशेष तौर पर सुन ले। सुपर टैकल ऑन, गाजीपुर ने दो बार दो दो पॉइंट की लीड के पास तक पहुंचा है, लेकिन उसके तुरंत बाद सुपर रेड लगी है आजाद की, दो रेड सुपर रेड इस मुकाबले में, बॉबी अंदर आए हैं ये एडवांटेज है, लेकिन समय ज्यादा नहीं बचा है। इमलिया का वर्सेस दिल्ली आर्मी कैंप, एक दो सुपर रेड करनी होंगी आजाद की तरह इस 10 नंबर खिलाड़ी को गाजीपुर की तरफ से।
अगर यहाँ वापसी करनी है तो। बहुत अंदर तक वार किया है, बोनस का प्रयास है, क्या मिलेगा? एक पैर बोनस लाइन के पार होना चाहिए। अंबाला ऑर्डिनेंस और जसौर खेड़ी ए, ये भी टीम तैयार है फर्स्ट का। बिल्कुल, यहाँ क्या मिलेगा? अंबाला ऑर्डिनेंस और जसौर खेड़ी ए, बोनस जरूर मिला है लेकिन रेड आउट, 1-1 ईच पॉइंट है और इधर एक पॉइंट। गेम सिलो मतलब गौरव की एंट्री। बिल्कुल लास्ट और अंतिम छड़ चलते हुए इस मुकाबले के। इमलिया का दिल्ली आर्मी कैंप के बाद में अगला मैच जो अंबाला ऑर्डिनेंस और जसौर खेड़ी, मीठी मीठी सुगंध है वो आने लगी है लखावटी को। फर्स्ट कॉल अंबाला ऑर्डिनेंस और जसौर खेड़ी ए, फर्स्ट कॉल सुपर टैकल ऑर्डिनेंस और जसौर खेड़ी ए, सुपर टैकल ऑन। समय रुका है, कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। क्या लगी है ग्रीस या मूव? पसीना वायु ऊपर तक भी है। और गेम एक बार फिर स्टार्ट। अंतिम और लास्ट छड़ चलते हुए डुअल डायरेक्ट सुपर टैकल ऑन। क्या बेहतरीन एडवांटेज लास्ट समय, सुपर टैकल की पोजीशन, अंतिम छड़ इस मुकाबले के, कौन की किसके सर बांधेगा सहरा? सरदार पाजी एक तरफ, स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी, और दूसरी तरफ प्रो स्टार आजाद। डोर डाई में कौन मारेगा बाजी? नहीं मारी है और ये फाइनल रेड थी। और समय हुआ है समाप्त। मैं लेके चलता हूं आपको, पूरा हो गया गंगोला टूर्नामेंट स्कोरर के पास। सत्ताईस सत्रह के साथ यहाँ लखावटी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गया है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।